जय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आइए एक टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करते हैं, जहां पे ये दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने NIOS से यानी ओपन यूनिवर्सिटी से यानी ओपन स्कूल से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक से बाहर कर दिया है। क्या है पूरा मामला, क्यों बाहर किया गया है, और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 3 राज्यों के हाई कोर्ट ने डीएलएड वालों को एलिजिबल माना था प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, उसके बावजूद भी क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाहर कर दिया गया। एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में डीएलएड जिन्होंने रेगुलर किया है वो एज इट इज भले रहेंगे, लेकिन जिन्होंने ओपन से किया है उनको बाहर किया गया है। क्या है पूरा मामला, आइए इसको समझेंगे इस वीडियो में, और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया है। देखिए, मामला जो है उत्तराखंड सरकार की है। उत्तराखंड सरकार ने सत्र 2020-21 में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक की भर्ती निकाली थी, लगभग 2600 का आंकड़ा था। इसमें सभी बच्चों ने आवेदन किया था, आवेदन करने वालों में NIOS से डीएलएड करने वाले भी थे, ठीक है। लेकिन यह बात कुछ लोगों को सही नहीं लगी, तो उन्होंने हाईकोर्ट में जाके इसके खिलाफ केस कर दिया कि NIOS जो 18 महीने का कोर्स होता है वो कैसे प्राथमिक के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जबकि जो रेगुलर डीएलएड है वो 2 साल के लिए, यानी कि एक तरफ 18 महीने का डीएलएड और एक तरफ 2 साल का डीएलएड। तो क्या 18 महीने वाले डीएलएड वाले 2 साल के डीएलएड के बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये यहाँ पे विवाद था। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यानी कि नैनीताल हाईकोर्ट ने NIOS से डीएलएड वालों को वैलिड करार दिया था, यह कह दिया था या उन डीएलएड के पक्ष में यह फैसला दे दिया था कि डीएलएड वाले भी प्राथमिक शिक्षक में आवेदन कर सकते हैं। आधार क्या माना था, आधार इससे पहले कि 2 उच्च न्यायालयों के फैसले को आधार माना था। वो इससे पहले के 2 उच्च न्यायालय कौन से, पहला दोस्तों पटना हाईकोर्ट। पटना हाईकोर्ट ने भी डीएलएड वालों को यानी जिन्होंने ओपन से 18 महीने का डीएलएड किया था उनको भी वैलिड मान लिया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। साथ ही साथ त्रिपुरा के उच्च न्यायालय ने भी वैलिड मान लिया था NIOS से डीएलएड करने वाले को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, जबकि ये 2 उच्च न्यायालय ऑलरेडी मान चुके थे। तो इसी आधार पर उत्तराखंड के हाईकोर्ट ने यानी कि नैनीताल के हाईकोर्ट ने भी NIOS से डीएलएड करने वाले को भी वैलिड मान लिया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। लेकिन यह मामला हाई कोर्ट से आगे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट में आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को सुनवाई करते हुए कहा, साफ तौर पे कहा कि इन नैनीताल के हाई कोर्ट से ये क्या हुई, गलती हो गई। 18 महीने का जो डीएलएड है वो 2 साल के डीएलएड के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, वो बराबर नहीं हो सकता, और साफ तौर पे कह दिया कि इस शिक्षक भर्ती में यानी कि जो 2600 की शिक्षक भर्ती आई थी उसके लिए आवेदन के पात्र नहीं। अब देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है ना तो वो पूरे देश के लिए लागू होता है। अब जितनी भी शिक्षक भर्तियां आएंगी उनमें से NIOS से डीएलएड करने वालों को प्राथमिक में रोका जाएगा। सरकार जो भी राज्य सरकार अगर भर्ती निकालती है भले उनको एलिजिबल कर भी दे, लेकिन जब बच्चे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे तो वहां से NIOS से डीएलएड करने वाले बाहर हो जाएंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा, आधार हो जाएगा, उस आधार पर इनको बाहर कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब साफ तौर पर यह है कि जिन्होंने NIOS से डीएलएड किया था उनको अब प्राथमिक शिक्षक के लिए मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो वैलिड नहीं है सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने फिर किनको NIOS से डीएलएड करने वाले को मौका दिया, देखिए 2017 और 19 दो सत्र में जिन लोगों के पास कोई शिक्षक कार्य था, या फिर एग्जांपल के तौर पे कोई कहीं गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग कर रहे थे या कोई गवर्नमेंट जॉब में सर्विस कर रहे थे, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब ये जो 18 महीने का जो डीएलएड का कोर्स था वो उन लोगों के लिए था जो ऑलरेडी कहीं एज ए टीचर काम कर रहे थे, एज ए टीचर का, तो इससे पहले की भर्तियों में इतनी यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं थी, तो उनके लिए लाया गया था कि जो 2017 से 19 केवल इन दो सालों में जो पहले से कहीं कार्यरत हैं वो NIOS से डीएलएड कर ले, फिर उनकी जो मानक होगी, उनकी जो पात्रता होगी वो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, वो एक टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ऑलरेडी टीचर है और उसके पास NIOS से डीएलएड है तो उसके लिए ये वैलिड है, वो अगर आगे के लिए आवेदन करना चाहता है तो आवेदन कर सकता है। अब आप कहोगे सर, जब ऑलरेडी टीचर है तो क्यों आवेदन करेगा, हो सकता है कोई सहायक अध्यापक हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर हो लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो आगे रेगुलर टीचर के लिए जैसे BPSC तैयारी में वो आवेदन कर सकता है। तो साफ तौर पर कहने का मतलब ये है दोस्तों, 18 महीने का जो डीएलएड है NIOS से जो किया गया डीएलएड है अब ये वैलिड नहीं है, केवल उन्हीं के लिए वैलिड है जिनको ऑलरेडी कहीं टीचिंग जॉब है और उसके साथ उन्होंने ये डीएलएड का कोर्स किया था 18 महीने। अब पूरे देश में इस 18 महीने के डीएलएड को
एक तौर से खारिज कर दिया गया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बनने के लिए। अब आपके पास दो विकल्प है, या तो आप रिव्यू पिटीशन डालें, उससे बहुत ज्यादा असर होगा नहीं, या फिर सरकार जो है केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाए और वो साफ तौर पे जाहिर करे, या फिर एनसीटी ये कह दे कि हाँ हम इस चीज को मानते हैं, हम वैलिड करते हैं कि आप 18 महीने के एनआईओएस के डीएलएड के बाद भी आप टीचर बन सकते हैं। तो मोस्टली कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला बदलने का हक केवल सरकार को है, कानून बनाकर अध्यादेश लाकर, और जब तक ये चीजें नहीं होती आप साफ तौर पर समझिए एनआईओएस डीएलएड बाहर है। दोस्तों वीडियो समाप्त करने से पहले मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर दूंगा। बहुत सारे बच्चे ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं, मान लीजिए कल को अगर कोई ऐसा फैसला आ जाता है कि ओपन से ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों के वैलिड वैलिड नहीं है, फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? देखो सवाल ये है ना कि एक बार जब आपका वक्त गुजर जाता है, एक बार आपका समय व्यतीत हो जाता है ना, फिर उसके बाद आप उसको वापस नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चे कुछ उम्मीद के साथ ही कोई कोर्स करते हैं। मेरा सवाल ये है दोस्तों कि अगर ये वैलिड नहीं है तो हम कोर्स कराते ही क्यों हैं? सेम केस हुआ बीएड वालों के साथ। बीएड वालों को भी पहले आपने बीएड कराया, फिर कह दिया कि आप प्राथमिक से बाहर हैं, 2018 में आपने कहा था कि आप अंदर हैं। मेरा सवाल ये, अच्छा दूसरी बात ये है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेके, जब जिन बच्चों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ही नहीं तो क्यों नहीं सरकार पहले या फिर एनसीटी पहले ये कहती है कि आप कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाइए फिर उसके बाद बीएड करिएगा, लेकिन जब फीस की आती है, जब बात पढ़ने की आती है तो आप करते रहो, उस समय आपसे ये नहीं मांगा जाता कि आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि नहीं, आपके पास एलिजिबल है कि नहीं। आपकी जब कोर्स कंप्लीट हो जाती है तो 2-4 साल के बाद आपको पता चलता है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, जो कि ये सही नहीं है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं, शिक्षक शिक्षिका बन के आइए, ठीक है, अपने सपने पूरे करिए। जय हिंद, जय भारत।